गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, दिस इज़ क्लास फोर इंग्लिश लिटरेचर. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस पोइम. ओके, चैप्टर दिस इज नंबर 8, द रीसाइक्लिंग रैप. ओके, इट इज़ रिटन बाई जॉन फॉस्टर. द पोइट ऑफ दिस पोइम इज जॉन फॉस्टर, एंड इन दिस पोएम ही इज ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ recycling. As I have discussed in my Zoom class also, you must know. Again, I would like to tell those children who have not attended the Zoom class. Recycling means किसी भी चीज़ का जो वो waste material में आ जाए, यानी after use उसको फिर से recycle किया जाए, यानी उसको फिर से उस waste जो भी substance है उसको फिर से उसको चेंज करके, उसका प्रोसेसिंग करके उस नया रूप दे दिया जाए. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं मटेरियल, जैसे कि ग्लास माने शीशा, प्लास्टिक, ठीक है, एंड पेपर, और ये सब, एंड पॉलीथिन, ये सब मटेरियल जो हैं दे कैन बी रिसाइकल्ड. माने उनको फिर से पिघला के, उनको गर्म करके, उनको गला के, पेपर को गला के, प्लास्टिक पॉलीथीन और ग्लास को मेल्ट करना माने पिघलाना हीट पे, उसको फिर से बनाया जा सकता है दोबारा. सो द मेन थीम ऑफ द पोएम इज दिस, दैट द पोएट वांट्स टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस रिसाइकलिंग रैप. यानी कि ही वांट्स यू टू जस्ट अडॉप्ट दिस हैबिट कि आपके पास जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको आप तुरंत ऐसा जगह पे डिस्पोज ऑफ करें कि वहाँ से वो रिसाइकल हो पाए, उसको वेस्ट ना करें, उसको इधर उधर ना फेंकें, बिकॉज इट हैज़ टू बैड इफ़ेक्ट्स. इफ़ यू थ्रो इट हियर एंड देयर, इट विल पोल्यूट द एनवायरनमेंट ऑल्सो. इफ़ यू विल बर्न देम, इट विल थ्रो देम, इट विल बी वेस्टेड. वो वेस्ट हो जाएगा और एनवायरनमेंट को भी प्लेन तो पोल्यूट करेगा. सो अगर वो रिसाइकलिंग के लिए सही जगह पे डाल दिया जाए तो दैट विल बी यूज़फुल. इट हैज़ टू बेनिफिट्स, इट विल सेव द एनवायरनमेंट ऑल्सो फॉर द पीपल हु आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, एंड द न्यू जनरेशन ऑल्सो हु विल बी कमिंग लेटर ऑन, उनके लिए वी हैव टू लीव दिस अर्थ पॉल्यूशन फ्री. ओके, अगर आप अपनी पृथ्वी को इतना जहरीला, इतना गंदा बना देंगे तो जो आगे आने वाले बच्चे हैं, जो नए जनरेशन आएंगी, हाउ दे विल सर्वाइव. ना उनको साफ पानी मिलेगा, ना उनको साफ हवा मिलेगी, ना उनको साफ धरती मिलेगी. हाउ दे विल स्टे, हाउ दे विल लिव, हाउ दे विल सर्वाइव, कैसे अपना जीवन चलाएंगे. सो वी हैव टू थिंक ओवर इट, इट इज़ ए वेरी सीरियस मैटर. ओके, एंड मोर ओवर इफ यू सेव दिस फॉर द वेस्ट मटेरियल फॉर द रिसाइकलिंग, देन द मटेरियल इज़ ऑल्सो सेव्ड. बिकॉज किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए एक कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना, कुछ कच्चा माल चाहिए होता है जिससे कि वो बनता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पेपर की बुक बनानी है तो बुक के लिए रॉ मटेरियल में पहले प्लेन पेपर्स लाए जाते हैं, देन उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है, देन उसके फिर वो बुक बनती है. तो दैट रॉ मटेरियल इज़ नीडेड एवरी टाइम, वेन एवर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज़ का, रॉ मटेरियल इज़ नीडेड. तो अगर रॉ मटेरियल जो ऑलरेडी मटेरियल बना हुआ है, इफ़ यू वेस्ट इट, तो फिर वो बार बार रॉ मटेरियल लाने के लिए भी कहीं ना कहीं से, तो वी हैव टू टेक इट आइदर फ्रॉम द अर्थ, आइदर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, आइदर फ्रॉम द ट्रीज, ओके, आइदर फ्रॉम द अंडर द अंडरग्राउंड, धरती के अंदर से निकाला जाता है, या धरती के ऊपर कोई चीज़ पैदा हो रही उसमें से लिया जाता है, और फ्रॉम द ट्रीज, और फ्रॉम द एनी material which is found on the earth. So that will be wastage. अगर पर वही waste कर दिया जाए तो every time new material is needed. So recycling is very good option to save the materials also. All right, children, in my Zoom class I told you to divide this in the morning. I told you to divide this poem in four lines each. In this way, we will make 7 stanzas of 4 line each. So, in the first line, the poet is addressing the children.
Listen to me, children. Hear what I say. We have got to start recycling. It's the only way. वो क्या कह रहा है कि बच्चों मेरी बात को सुनो और हमें रिसाइकलिंग को स्टार्ट करना है. यही के एक तरीका है टू सेव दिस प्लैनेट फ्रॉम फॉर फ्यूचर जनरेशंस. द नेम ऑफ द गेम इज़ रिक्लेमेशन. वो कह रहा है कि इस यही एक तरीका है इस प्लैनेट को यानी इस धरती को यानी कि हमारी अर्थ को मदर अर्थ को बचाने का फॉर फ्यूचर जनरेशंस. एज आई टोल्ड यू नाउ कि हम उनके लिए अच्छा वातावरण छोड़ें अच्छा माहौल छोड़ें जो आगे आने वाली जनरेशंस हैं हमारे आगे. एंड द नेम ऑफ द गेम माने जो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं उसका मतलब है रिक्लेमेशन मीन्स गेटिंग मटेरियल्स फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स सो दैट दे कैन बी रीयूज यानी कि उन मटेरियल्स को इकट्ठा करना रीयूज के लिए. नाउ द सेकेंड स्टैंजा यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग यू नो वॉट इट मेक सेंस. यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस. नो मोर वेटिंग नो मोर क्लैप ट्रैप गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप. क्या वो कह रहा है कि यू जस्ट स्टार्ट रिसाइकलिंग यानी कि रिसाइकलिंग वाले रैप में आप अपना योगदान देना. यू स्टार्ट योर कंट्रीब्यूशन रिसाइकलिंग के यानी स्टार्ट कलेक्टिंग दोज थिंग्स डोंट स्टार्ट नॉट वेस्टिंग दोज यूज मटेरियल्स एंड यू नो इट मेक्स सेंस यानी कि वो कह रहा है कि इसका कुछ मतलब है. इट हैज़ सम सेंस. मैं जो बात बता रहा हूँ वो सेंसलेस बात नहीं. इट हैज़ सम सेंस एंड यू हैव टू स्टार्ट रिसाइकलिंग स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस. सिटिंग ऑन द फेंस मीन्स हियर द मीनिंग इज गिवन अवॉइड डिसाइडिंग अबाउट समथिंग यानी कि आप अवॉइड मत करिए इस चीज़ को. यू जस्ट डोंट अवॉइड वॉट आई एम सेइंग यानी उसको टालिए मत. उसको ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको मत सुनो और आप उसको यूं ही छोड़ दो. नो मोर वेटिंग नो मोर क्लैप ट्रैप. कह रहे हैं कि कोई अब इसमें अब इस काम को करने में हमें कोई ज़्यादा वेट नहीं करना है. यू डोंट हैव टू वेट. आप तुरंत इसको स्टार्ट करो. नो मोर क्लैप ट्रैप. क्लैप ट्रैप मीन्स फुल स्टॉप यानी कि फुल स्टॉप मतलब कि यू स्टार्ट फुल स्टॉप कि अरे ये तो बेकार है क्या है ये तो जो हमने यूज़ कर लिया वो तो वेस्ट है. अब क्या रिसाइकिल में हम क्या कंट्रीब्यूशन करें. आई विल थ्रो इट जस्ट. तो वो ये कह रहा है कि उसको फुल स्टॉक की तरह उसको यूजलेस कह के बेकार हमारी बात को ना सुनिए आप या मत करिए ऐसा. डोंट डू दैट है ना. गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप और आप तैयार हो जाइए कि जैसे रैप में हमने बताया कि जो फास्ट म्यूजिक होता है यू एट वंस स्टार्ट डांसिंग. आपके ऊपर तुरंत रिएक्शन होता है एंड यू स्टार्ट डांसिंग व्हेन द रैप म्यूजिक इज देयर. सो आप उस इन द सेम वे यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दिस प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग. यू डोंट हैव टू रिसाइकल बट यू हैव टू पुट योर कंट्रीब्यूशन उन चीज़ों के किस तरह आप ऐसी जगह पे रखें ऐसी जगह कलेक्ट करें ऐसी जगह हैंड ओवर करें ऐसे लोगों को हैंड ओवर करें जिससे वो रिसाइकिल के लिए जा सके. ठीक है. देन कम ऑन एंड स्टार्ट रिसाइकलिंग. दिस इज थर्ड स्टैंजा. कम ऑन एंड स्टार्ट रिसाइकलिंग स्टार्ट टुडे. ही इज़ आस्किंग यू टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली. आज आप सुन रहे हैं इस पोइम को आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए. बाय सेविंग ओल्ड पेपर्स नॉट ओल्ड न्यूज़ पेपर्स नॉट थ्रोइंग देम अवे. वो कह रहा है कि पेपर्स को सेम न्यूज़पेपर हर एक बच्चे के घर में सबके घरों में आता है आइदर इट इज़ इन हिंदी और इंग्लिश. उनको वेस्ट मत करो कि उनको फाड़ा फेंका गंदा करा इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया. जस्ट कलेक्ट देम उनको बचाओ. अगर वो आपने पढ़ने के बाद उसको सेफली रख दो और नॉट थ्रोइंग देम अवे. उनको ऐसे यूं ही वेस्ट करके फाड़ फूट के फेंकना नहीं है. जस्ट डोंट जस्ट टेक देम एंड डंप देम इन अ टिप. कह रहा है कि उन्हें ऐसे ही ये नहीं कि आपने ले जाके उनको गार्बेज में फेंक दिया. ठीक है. टिप का मतलब यहाँ गार्बेज से है. दिस इज द डिफरेंट मीनिंग हियर. चिल्ड्रन आई वांट टू टेल यू दैट इंग्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो वन वर्ड हैज़ मैनी मीनिंग्स. टिप के मतलब दूसरे भी होते हैं बट यहाँ टिप का मतलब गार्बेज से ही है मतलब कूड़े के ढेर से. ठीक है. इट्स गिवन इन द बुक हियर. गार्बेज माने कूड़े कचरे का ढेर. ठीक है. वहाँ मत फेंक दो. टाई दैम इन ए बंडल एंड पुट दैम इन ए स्किप. अब क्या कह रहा है कि आप उनको एक बंडल में रख दीजिए. उनको इधर उधर लिटर मत करिए. उनको छितराइए मत. उनको फैलाइए मत. उनको एक बंडल में बांध के रख दीजिए और उन्हें एक बड़े कंटेनर में रख दीजिए. अगर इफ़ यू वांट टू थ्रो तो थ्रो देम इन दैट बिग कंटेनर विच इज़ पुट इन द पब्लिक प्लेसेस आल्सो. ठीक है. देन फोर्थ स्टैंजा. गेट कलेक्टिंग प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर. Again, I am repeating this line, this fourth stanza. We come to fourth stanza. Get collecting, protecting the futures. Future is up to you. Save all your old glass bottles and your jam jars too. वो क्या कह रहा है कि यहाँ इस वाले इससे पहले वाले stanza में third stanza he was talking about the old newspapers. Now in this stanza he is talking about the glass bottles, jam jars etc.
आप हम लोग इन डे टू डे लाइफ वी यूज सो मैनी बॉटल्स, सो मैनी टाइप्स ऑफ जार्स, है ना। जैम का जार होता है और ग्लास के बॉटल्स होती हैं, समटाइम्स दे ब्रेक, टूट भी जाती हैं कभी कभी, और या हम यूज़ करने के बाद उनको रख देना चाहते हैं, उनको हमें दोबारा उसे यूज़ नहीं करना होता है। सो क्या कह रहा है कि टेक देम सेव, उनको सबको बचा के रखो, उनको ऐसे ही मत, यूं ही मत वेस्ट करो। टेक देम टू द बॉटल बैंक देन एट द फैक्ट्री, किसी ऐसी जगह पे जमा करो उसको, किसी ऐसी जगह उसको कनेक्ट करो कि वहाँ से वो फैक्ट्री में दोबारा चला जाए, उसको मेल्ट करके दोबारा से उसमें से बॉटल, ग्लास की यानी कांच की बॉटल फिर से बन सकें। वंस इट इज़ मेल्टेड इट कैन बी एनी टाइप ऑफ शेप कैन बी गिवन, एनी टाइप ऑफ साइज कैन बी गिवन, चाहे उसका जार बन जाए, चाहे उसका बॉटल बन जाए, चाहे उसका ग्लास बन जाए, आई मीन पीने शीशे का पीने वाला ग्लास, एनी थिंग कैन बी मेड। ओके, आफ्टर मेल्टिंग द ओल्ड ग्लास, द ग्लास कैन बी रिसाइकल सेविंग एनर्जी। वो कह रहा है कि ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड, आपको मैंने बताया है कि जो ग्लास होता है, शीशा होता है, जब उसको मेल्ट कर दिया जाता है तो इट चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म, एनी मेटल आल्सो चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म, एनी दिस ग्लास आल्सो चेंजेस, देन प्लास्टिक आल्सो चेंजेस इन द लिक्विड फॉर्म। ओके, इवन यू मस्ट हैव चिल्ड्रन, यू डोंट नो एनी मेटल मीन्स एनी टाइप ऑफ मेटल, आइदर इट इज़ गोल्ड, इट इज़ सिल्वर, इट इज़ एनी थिंग ब्रॉन्ज, एनी थिंग, कोई भी मेटल होता है जब उसको हीट अप किया जाता है तो इट चेंजेस इनटू बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। दैन जैसे कि ऑर्नामेंट्स गोल्ड के बनाए जाते हैं तो उसको लिक्विड फॉर्म में पहले डाला जाता है, दैन वो ऑर्नामेंट्स आर मेड, है ना, लिक्विड फॉर्म से उसको फिर ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है। इन द सेम वे टिन है, आइदर इट इज़ टिन, आइदर इट इज़ आयरन, लोहे का है, चाहे वो अल्मोनियम है, चाहे वो एनी टिन मटेरियल है, अल्मोनियम, दैन इट कैन बी रिसाइकल, यानी उसको पिघला के उसको मेल्ट करके फिर से रिसाइकल उसको किया जा सकता है। दैन नंबर फाइव पैराग्राफ, दिस स्टैंजा, डोंट थ्रो द अवे दैट एम्प्टी ड्रिंक कैन, कैन यू नो दैट स्मॉल टम्बलर विद अ लिड, आप जिसमें अक्सर कोक और ये पीते हैं पेप्सी वगैरह के को, टिन, टिन में भी, एक तो बॉटल्स में आता है प्लास्टिक की, शीशे की बॉटल में भी आता है और टिन में भी आता है। इट इज़ कोल्ड ड्रिंक इज अवेलेबल इन थ्री टाइप्स ऑफ मटीरियल्स, यू नो, अच्छे से आप लोगों को मालूम होगा, और एवरी आई थिंक इन दिस मॉडर्न टाइम एवरी चाइल्ड लाइक्स टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, या तो कैन में होता है वो, या बॉटल शीशे की बॉटल में होता है, या प्लास्टिक की बॉटल में होता है, थ्री टाइप्स ऑफ मटीरियल्स आर देयर। यहाँ पे वो ड्रिंक कैन की बात कर रहा है, कैन माने वो छोटा डिब्बा जो मेटल का बना हुआ होता है, कंटेनर टाइप छोटा सा, इसमें विद अ लिड। रिमेंबर व्हाट आई सेड, स्टार्ट रिसाइकलिंग मैन, वो कह रहा है ये भी रिसाइकल हो सकता है, आप याद रखिए कि ये भी रिसाइकल हो सकता है। वो क्या, नाउ कम टू द नेक्स्ट, द पॉइंट इज सेइंग वॉश इट, स्क्वैश इट, स्क्वीज इट फ्लैट एंड थिन, टेक इट टू द सेव ए कैन एंड पोस्ट इट इन। वो क्या कह रहा है कि सेव ए कैन जो होता है वो माने कि वो ऐसी जगह जहाँ पे कैन को कलेक्ट कर दिया जाए, ऐसी जगह पे उसको ले जाके डाल दो, उसको बिफोर पुटिंग इट इन दैट कंटेनर यू स्क्वैश इट, मैंने उसको धो दो, उसको मरोड़ दो, तोड़ दो, उसको बिल्कुल घुमा दो, उसको फ्लैट कर दो और तब उसको डाल दो, क्योंकि वो फिर तो वो रिसाइकल आराम से हो जाएगा। बट डोंट ब्रेक इट इनटू पीसेस, उसको बस मरोड़ के, उसको चपटा करके, फ्लैटन करके आप डाल दीजिए उसके अंदर। थिन वाने पतला हो जाएगा, जो फ्लैट हो जाएगा, नेचुरली वो राउंड शेप से फ्लैट शेप में आ जाएगा। ठीक है, नाउ इन द लास्ट टू पैराग्राफ, सॉरी स्टैंजा, ही इज अगेन गिविंग यू एडवाइस, लिसन टू मी चिल्ड्रन, हियर व्हाट आई से, वो कह रहा है बच्चों मेरी बात सुनो, और जो सुनो मेरे को सुनो, और मैं जो कह रहा हूँ उस बात को अच्छे से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। वी हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, इट इज़ द ओनली वे, और हमें ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस जो है इसमें हेल्प देना है, आपको डायरेक्ट नहीं करना, बट यू हैव टू हेल्प, एंड इट इज़ द ओनली वे, यही एक तरीका है टू सेव दिस प्लानट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये लाइन फिर से रिपीट हो रही है जो कि ये फर्स्ट वाले इसमें थी, सेम लाइन इज रिपीटिंग हियर। द नेम ऑफ द गेम इज़ रिक्लेमेशन, यानी कि हमें इस धरती को, इस प्लानट जो हमारी जो अर्थ प्लानट है, इसको हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा और साफ रखना है। ठीक है, हमें उसको पॉल्यूट नहीं करना, बाई वी डोंट हैव टू पॉल्यूट इट बाई थ्रोइंग, बाई बर्निंग, और बाई स्पॉइलिंग द पॉल्यूटिंग द सॉयल ऑल्सो, द एनवायरमेंट ऑल्सो, द वाटर ऑल्सो, बाई थ्रोइंग द थिंग्स हियर एंड देयर, वेस्ट मटीरियल स्पेशली। द नेम ऑफ द गेम इज़ रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन का मतलब ही वही है,
वेस्ट मटेरियल से नए प्रोडक्ट बनाना. रीयूज, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द वर्ड मीनिंग रिक्लेमेशन. ओके, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट दिस फर्स्ट पैराग्राफ. सेम लाइन इज रिपीटेड. नाउ द लास्ट एसेंस आर यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग टू नो इट मेक्स सेंस. कह रहा है कि एक समझदारी कि आपको रिसाइकलिंग स्टार्ट करना है, यानी कि आपको उसमें योगदान अपना देना, कंट्रीब्यूशन देना है. यू नो इट मेक्स सेंस, यानी कि एक अच्छी समझदारी की बात है. आप इसको समझिए कि एक समझदारी की सेंसिबल बात है, अच्छी बात है. यू हैव गॉट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस. सिटिंग ऑन द फेंस का क्या मतलब है यहाँ पे? वो कह रहा है कि आपको इसमें अपना यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन दिस रिसाइकलिंग प्रोसेस एंड स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस. स्टॉप सिटिंग इन ऑन द फेंस माने अवॉइड डिसाइडिंग अबाउट समथिंग. सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब है कि किसी भी चीज़ के बारे में समझने और डिसाइड करने के को अवॉइड करते जाना है. मतलब नहीं, अवॉइड करना माने किसी चीज़ को टाल देना. जैसे आपके पेरेंट ने आपसे कुछ कहा, आप उसको अवॉइड कर रहे, आपने सुना ही नहीं उस चीज़ को, आपने अवॉइड कर दिया, यानी कि उसको टाल गया, उसको अनसुना कर दिया. ठीक है, सो डोंट डू दिस. वो कह रहे हैं स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस, यानी कि आप स्टार्ट यू जस्ट डोंट अवॉइड डिसाइडिंग अबाउट समथिंग. आप डिसाइड करिए कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन द रिसाइकलिंग प्रोसेस. ओके, नो मोर पुसी फुटिंग, नो मोर क्लैप ट्रैप. पुसी फुटिंग का क्या मतलब है? टू एक्ट एंड बिहेव इन एन एक्सेसिवली कॉशियस वे बाय अवॉइडिंग द इशू. यानी कि ऐसे अपने को शो करना है कि जो मेन इशू है उसकी तरफ ध्यान ना देके, और ऐसे अपने को बिजी दिखाना या इस तरह से करना, कान ना देना किसी बात पे, सुनना नहीं. डोंट डू ऑल दैट एक्टिविटीज़. ये जस्ट टू शो कि नहीं, हम आई एम डूइंग मोर इम्पॉर्टेंट वर्क, आई विल नॉट लिसन टू यू. ये नहीं करना है, ऐसा बिहेव मत करो. एंड नो मोर क्लैप ट्रैप, यानी क्लैप ट्रैप माने फुलिश टॉक्स. यानी कि फुलिश टॉक्स में अपना वेस्टिंग योर टाइम इन फुलिश टॉक्स, है ना, कि या तो दूसरी फुलिश टॉक्स में लगे रहना या स्टॉप वेस्टिंग टाइम इन फुलिश टॉक्स. फुलिश टॉक्स मीन्स मूर्तापूर्ण बातें करना, आइदर अवॉइडिंग दिस कि हाँ ये नहीं, और नो नो इट डजेंट मेक एनी सेंस इन रिसाइकलिंग, व्हाई शुड आई कंट्रीब्यूट, हम तो थ्रो आई विल थ्रो ऑल द वेस्ट मटीरियल्स, व्हाई शुड आई कलेक्ट इट. दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड फुलिश टॉक. यानी कि बात को सुनना, उसकी समझदारी से बात करना और उसको समझना और उसको ओबे करना, उसको अवॉइड नहीं करना. गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप. और वो क्या कह रहे हैं कि एज When the loud music is there, you is just आप एकदम उसमें एंटर हो जाते हैं. When the group is dancing and the loud rap music is there, you at once go and start dancing. आप फिर उस अपने को रोक नहीं पाते हैं. ठीक है, इन द सेम वे यू ऑल्सो डोंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग दिस. और जितनी फास्ट आप उतना जाते हैं टू ज्वाइन द ग्रुप हु इज़ डांसिंग, एंड यू स्टार्ट डांसिंग वेरी क्विकली. ओके, जैसे और कर रहे हैं, एंड देयर इज अफेक्ट ऑफ दैट लाउड म्यूजिक एंड फास्ट वर्ड्स. ओके, टाइप ऑफ थिंग वेरी फास्ट. सो यू ऑल्सो एक्ट एंड मूव योर हैंड्स एंड फीट एंड ऑल योर बॉडी अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक. जितना फास्ट होगा उतना फास्ट आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं इन डांसिंग. सो इन द सेम वे हीज यूज, दैट इज वाई हीज वर्ड यूज दिस वर्ड रैप. रैप मीन्स द फास्ट म्यूजिक विद अ रैप. यहाँ मीनिंग इसका दे रखा है, आप देखिए. रैप मीन्स ए टाइप ऑफ पॉपुलर म्यूजिक विद स्ट्रॉन्ग रिदम एंड फास्ट स्पोकन वर्ड्स. स्ट्रॉन्ग रिदम है उसकी लय जो है बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ बजना, और उसमें क्या है, जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं वो भी बहुत तेज़ी से बोले जाते हैं. ये मॉडर्न गाने कुछ बहुत से बनते हैं जो कि फिल्म्स के नहीं भी होते कई बार, और बट दे आर बीइंग यूज्ड इन दिस डेज इन द मैरिजेस ऑल्सो, इन द बारात पार्टी ऑल्सो. आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ बजते हैं और पीपल डांस लॉट लॉट इन अ वेरी फनी, समटाइम्स बहुत फनी तरीके से भी करते हैं, एंड देन वेरी फास्ट ऑल्सो, एंड दैट म्यूजिक इज नीडेड फॉर डांसिंग. सो इन द सेम वे एज यू एक्ट क्विकली वैन यू हियर एनी लाउड म्यूजिक, आपका मन एकदम करता है कि हाँ अब हम भी शुरू हो जाएँ, हम भी डांस करना शुरू कर दें. देर इज अफेक्ट ऑफ द म्यूजिक. इन द सेम वे वो कह रहा है कि आप रिसाइकलिंग को भी एक रैप की तरह समझिए, एक म्यूजिक जैसे फास्ट म्यूजिक से होता है, एंड यू ज्वाइन दैट इन डांसिंग एक्टिविटी. सो यू ज्वाइन दिस रिसाइकलिंग रैप. यानी उसको भी एक रैप की तरह बोल रहा है कि वो इट इज सेइंग कि इट इज़ लाइक अ रैप, आप उसमें शामिल हो जाइए. यू जस्ट ज्वाइन द ग्रुप, द पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग दैट यू ऑल्सो ज्वाइन दैम. सो दिस वॉज द मीनिंग चिल्ड्रन. एंड आई यस,
you see this save earth, this earth is here. Why putting that in the different containers are here? This girl is putting paper, waste paper, and the glass is also, this bottle is here, and reuse. इनको reuse वाली चीज़ें जो जैसे plastic है, polythene है, this can be thrown in this container. So this photo is there, you can understand. और आप देखिएगा कि roads के किनारे में, इन public places, especially in the city area, I have seen कि इस तरह के containers जगह जगह लगे होते हैं. यू कभी आपने ध्यान दिया इसके ऊपर? Have you ever paid any attention towards these containers? वो रोड के किनारे होते हैं. And you can throw all that your waste materials in that instead of throwing on the road here and there. So usually आपने देखा होगा they are in green and blue color, है ना, गीला कचरा और सूखा कचरा क्या लिखा होता है कि आप गीली चीज़ें जो हैं वो एक वाले में डालिए और ड्राई टाइप की चीज़ें जो हैं वो एक में डालिए. So it is there in the, if you happen to come to city side, अगर आप बच्चे जो city side में रहते हैं, you can see, especially in the civil lines area, you will see this type of containers to throw the waste materials. Okay, so children, this was the poem. I have finished the whole poem. I have divided it in 7 stanzas. Altogether we have 28 lines, 4 lines in each stanza. स्टेंजा वाइज हम इसको पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगी. अगर आप पूरा एक साथ लेके बैठ जाएंगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन दिस पोएम इन 2 जूम क्लासेस लास्ट ट्यूजडे एंड टुडे ऑल्सो इन द मॉर्निंग एट 9:30 इन द जूम क्लास एंड टू नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग आई हैव एक्सप्लेन द होल पोएम थ्रू दिस वीडियो. सो नेक्स्ट टाइम आई विल बी टेकिंग द न्यू चैप्टर दैट विल बी चैप्टर नंबर 9. ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड लेसन, वेरी गुड स्टोरी. So we will have it and I am finishing it with this. Okay, thank you.